वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम सेहत से मुतल्लिका मुख्तलिफ मौजूदात पे ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं, अपना फर्ज भी समझते हैं और जिम्मेदारी भी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव और उससे आगाही का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। बहुत ही मोहलिक बीमारी है। तिब्बी माहरीन ने खबरदार किया है कि इस खामोश कातिल की अलामात बरसों तक जाहिर नहीं होती और हर साल इस मरज में 2.75 लाख के करीब जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं और इस मरज की कुछ इकसाम की वैक्सीन तो मौजूद हैं, लेकिन हम अगर इसके इलाज की बात करें, बर वक्त इलाज अगर कराया जाए तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तहम मरज बहुत खतरनाक। बिल्कुल, हेपेटाइटिस है क्या, लाह क्यों होता है, अलामात क्या है, इकसाम कितनी है और अगर हो जाए तो खुदा इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हुमा कुरैशी मौजूद है, साबिक फोकल पर्सन हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा। हम सबसे पहले बात करें हेपेटाइटिस के हवाले से, क्या है, क्यों लाहक होता है और लोगों को इसके बारे में मालूम क्यों नहीं हो पाता, इसकी वजह क्या है? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। हेपेटाइटिस जो है ये जिगर की या लिवर की इंफेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है या सूजन होती है और ये अक्सर या तो किसी वायरस से हो जाती है या किसी बैक्टीरिया से हो जाती है या दवाइयों से हो जाती है। पाकिस्तान में और अमूमन जो है ये वायरस से होती है, इसीलिए हम इसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके वजूहात ये क्यों हो जाती है, ये खून के जरिए होती है। जहां पे भी किसी का इन्फेक्टेड खून दूसरे बंदे को लग जाता है तो उससे ये ट्रांसमिशन होती है। ये खून किस तरह चला जाता है एक से दूसरे में, इसकी पाकिस्तान में 4 मेजर वजूहात है। पहली वजह यह है कि जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन लोगों को लगता है ऑपरेशन के दौरान या खून कभी किसी एक्सीडेंट वगैरह में निकल जाए तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो अगर वो ब्लड प्रॉपरली स्क्रीन ना हो, प्रॉपरली टेस्टेड ना हो, तो ये वायरस एक पेशेंट से या एक डोनर से दूसरे पेशेंट को जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि जो इंजेक्शन हम लोग आमतौर पर बीमारियों में लगाते हैं डॉक्टरों से जाके या अताई लोगों से जाके, जो नज़ले जुकाम बुखार तकलीफ में लगा लेते हैं जाके, अक्सर या वहां पे ये सिरिंजें रीयूज हो जाती है। एक पेशेंट की सिरिंज दूसरे को लग जाती है, दूसरे की तीसरे को लग जाती है, क्योंकि जो भी इंजेक्शन या सिरिंज इस्तेमाल कर रहा होता है वो उसको उस वक्त तक डिस्कार्ड या फेंकता नहीं है जब तक कि वो देखता है कि उसकी सिरिंज साफ है या उसकी सुई चल रही है। तो ये जो रीयूज ऑफ सिरिंज है इससे एक इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे में बड़ी आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। तीसरी वजह इसके अंदर ये है कि जो हमारे आलात हैं सर्जरी के, डिलीवरी के, दांतों के सफाई के, दांतों के भराई के, ऑपरेशन के, ये साफ नहीं है, ये प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं है, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि वो। और आखिरी चौथी वजह जो है वो ये है कि ये जो बाजार में मर्द हजरात जाके शेप बनवाते हैं तो वहाँ पे रेजर एक दूसरे का इस्तेमाल होता है, तो पाकिस्तान में 4 वजूहात है जिसकी वजह से। अच्छा, एक तो आपने बड़ी खूबी से इन सभी वजूहात की निशानदेही भी की। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा कुछ डेली रूटीन के हवाले से एहतियातें और वजूहात अगर आप वाजे कर दें और दीगर ऐसी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हेपेटाइटिस का बाइस बनते हैं, कुछ ऐसा जो हमारी नजरों से नहीं गुजरता लेकिन अल्टीमेटली कॉज कर रहा होता है, जरा उसको भी फर्दर एक्सप्लेन अगर आपका दिन हो साहब। देखिए, रूटीन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हेपेटाइटिस की वजह बन सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिवाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, सिरिंजों के, नीडल्स के, रेजर इस्तेमाल करने के, इसके अलावा ये बीमारी आगे नहीं फैल सकती। कोई खाने से, कोई पीने से, कोई हाथ पकड़ने से, कोई साथ रहने से बीमारी नहीं लगती। बताइएगा कि इस मर्ज की कुल कितनी इकसाम है और जो सबसे ज्यादा खतरनाक या हम कह लें जो नुकसानदेह या जानलेवा हो सकती है? देखिए, हेपेटाइटिस में 5 इकसाम है, ए, बी, सी, डी और ई। उसमें से ए और ई जो है ये तो पानी से होता है, गंदा पानी पीने से होता है और ये कभी भी तकलीफ दे या उस तरह से क्रॉनिक नहीं होता, एक दफा होके फिर क्लियर हो जाता है। सही। जो मुश्किल या जो तकलीफ दे है वो बी, सी और डी है और ये तीनों की तीनों जो है ये ब्लड से और सिरिंजों से और इंजेक्शनों से और रेजरों से जाती है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल होता है वैसे तो आपने बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं उनकी आसानी के लिए अगर आप इसे फर्दर एक्सप्लेन कर दे ताकि लोग थोड़ा मोहतात हो जाए, कैसे होता है ये?
एक किस्म दूसरी किस्म को मुतासिर जरूर कर लेती है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट पहले से हेपेटाइटिस बी का है और उसको फिर सी की बीमारी लग जाए तो समझिए कि दो बीमारी एक साथ लग गई। तो जाहिर है कि बी की बीमारी जो है ये सारी उम्र चलती है, सी की बीमारी जो है ये ट्रीटमेंट के साथ साफ हो जाती है, क्योर हो जाती है। तो एक के साथ दूसरी बीमारी लगने में मरीज को यकीनन नुकसान होता है। ट्रांसमिशन की वजह या एक से दूसरे को लगने की वजह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अनसेफ ब्लड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनसेफ इंजेक्शंस है और रेजर्स है जो कि बाजार में नाइयों के पास आप लोग जाके अपने शेव या रेजर इस्तेमाल करते हैं और उस पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ओवरऑल बात करें, इलाज ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं चाइना और कई ममालिक में जाते हैं जो खासा एक्सपेंसिव होता है, और गरीब आदमी के बारे में बात करें तो वो इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। कब तक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल इलाज की सहूलत दस्तयाब हो सकती है? चाइना में या इंडिया में या और मुल्कों में जो लोग जाते हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं जब लिवर के अंदर कैंसर हो जाता है, और लिवर कैंसर उसी वक्त होता है जब ये लोग टाइमली इलाज नहीं करते हैं। तो इलाज तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जो लोग टाइमली इलाज नहीं करते फिर उनको लिवर कैंसर हो जाता है, जिगर का सरतान हो जाता है, तो वो उस लिवर को तब्दील कराने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन अब ये ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में भी कई जगह हो रहा है, इस्लामाबाद में शिफा में हो रहा है, गंबट सिंध में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है और दो तीन जगह हो रहा है, डाव मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। तो ये अब जरूरत नहीं है लोगों को बाहर जाने की, क्योंकि पाकिस्तान में जब हो रहा है और अच्छा खासा सस्ता हो रहा है तो बिल्कुल। लेकिन इलाज ट्रांसप्लांट से पहले इलाज करें, इलाज मौजूद है, बहुत सस्ता है, बहुत इजी। इलाज कैसे भी बेहतरी, और उससे भी पहले अगर मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा जाऊं तो एहतियात करें, एहतियात इलाज से ज्यादा बेहतर है, देन इलाज एंड देन खुदा ना खास्ता अगर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। बहरहाल हेपेटाइटिस का डे है, अवेयरनेस हमारा मकसद है, इसी वजह से हमने ये सेगमेंट और ये टॉपिक भी रखा। एहतियात कीजिए, तीन से चार चीजें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनमें एहतियात कीजिए ताकि आप हेपेटाइटिस से महफूज रहें, और साफ पानी कोशिश करें, अगर आपको मिनरल वाटर नहीं भी मिलता तो उबाल के पिए, वो भी आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए जी, इसी नोट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।